हाय एवरीवन, आज घर पे कोई नहीं है तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। सो लेट्स कुक समथिंग। और मुझे ना अकेला ना लगे इसलिए मैं ये वीडियो बनाते बनाते खाना बनाऊंगी। तो चलो मिलके खाना बनाएंगे। और मैंने डिसाइड किया है, मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने डिसाइड किया है कि आज हमारे घर पे बनेगा ये लौकी। तो हम लोग इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। मैं 99% श्योर हूँ कि आज मैं जिस तरीके से बनाने वाली हूँ ना, उस तरीके के बहुत कम लोग बनाते होंगे सब्जी। बिकॉज जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे बाहर के लोग अलग टाइप से बनाते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप से बनाते हैं, जिसमें ना मिर्च होती है। देखेंगे क्या क्या होता है, क्या करना है मुझे बता। अब मुझे सोचना पड़ रहा है बहुत, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँगी ना तब आ जाएगा अपने आप। और मेरी मम्मी ने ये आटा भी निकाल के दिया है कि कितना कितनी रोटियां करनी है। तो चलिए बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ कि ये जो लौकी है वो छील के कट कर लेती हूँ पीसेस में। अगर मैं सेम काम वीडियो ना बना के करती ना तो शायद मुझे बोर लगता, लेकिन अब वीडियो चालू है तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस काम को। आप भी ट्राई करना, अगर आप कभी अकेले हो तो ऐसे वीडियो स्टार्ट करके, खुद से बातें करके, खुद से नहीं मतलब, हाँ खुद से भी कर सकते हो बातें करके इसे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। ओह शिट, मुझे लगा। सी माय गॉड, ओह नो शिट, थैंक गॉड थोड़ा सा लगा। यार ये कितना मुश्किल है। मेरी मम्मी सही बोलती है, इसीलिए ना आदत चाहिए करने की। कुछ भी हो, अगर हम लोगों को आदत होगी ना करने की, तो हमें वो चीज़ हार्ड नहीं लगेगी कभी भी। और जो भी काम हम फर्स्ट टाइम करते हैं वो थोड़ा हमें हार्ड जाता ही है। चलो ये तो हो गया, ये तो हो गया कट। अब मैं ये आटा भून के रखती हूँ। जब कभी आप आटा ये करोगे ना तो मतलब रोटियां बनाने के थोड़ी देर पहले ही भून के रखना, उससे रोटियां सॉफ्ट आती है। अब मैं जब तक सब्जी बनाऊंगी तब तक ये आटा अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, मैंने तुम्हें बताती हूँ, चांगलं मुरून राहणार कणिक। आपण भिजवून ठेवली तर घरी असं सोच रही थी कि क्या डालू क्या डालू। तो चलो ये वाला मिल गया। मैं मम्मी ने मसाला बना के रखा है, मीन्स उसको बारीक करना बाकी अभी। ओ शिट, देखो मैंने ना मिक्सर में, मतलब मिक्सर के इस बाउल में मिर्ची, पीनट्स, जीरा और अभी लहसुन डाल रही हूँ, और फिर इसके बाद कोरिएंडर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्सर से निकाल लूंगी। थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनानी है अब हम लोगों को इसकी। और एक टिप, अगर आपको जल्द जल्द से लहसुन निकालना हो ना तो इसे पानी में भिगो के रखना, जल्दी निकलता।
देखो मेरे मम्मी ने भिगो के रखा था, 1 घंटा वगैरह हो चुका होगा, ये अच्छे से भीग चुके हैं इसलिए इजीली निकल रहे हैं। जब भी मैं अकेली होती हूँ तो खुद से बातें करती हूँ, मुझे इसकी आदत है अभी। और भी जब भी अकेली होती हूँ तो ऐसे मेरा मुंह चलता रहता है, खुद से बातें करती रहती हूँ मैं, और ये अच्छा भी है ना। मैं फ्रिज से कोरिएंडर निकालती हूँ। इसे वॉश कर लेंगे, उसके बाद मिक्सर से निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं इसमें, तो इसको मिक्सर से निकाल लेंगे। ये हम लोग सब्जी में नहीं डालने वाले हैं, ये मम्मी ने मुझे अलग से तलने के लिए बोला था, तो वही कर रही हूँ अभी। ये कितना डेंजरस है ना, कभी आपने ट्राई किया है क्या? मुझे तो ये करते समय बहुत डर लगता है। मिर्ची को तलना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग वाइल्ड कुकिंग, मुझे लगता है ऐसे। तब तक हम लोग क्या एक काम करेंगे, इस साइड ना कढ़ाई रखेंगे सब्जी के लिए। बाप रे कितना हो रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे तो ये आँख में ना चला जाए। ये मैंने सब्जी के लिए तेल रखा है गर्म होने के लिए। इसको थोड़ा साइड में रख देंगे। इसको ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से। कभी कभी पता क्या आता है, मैं ऐसे वीडियो मेरा ना ऐसे वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो रहा होता है और मुझे पता ही नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे मतलब भूल जाती हूँ। और मेरा भाई आ चुका है, अब मुझे अकेला फील नहीं होगा। हाँ तो जैसे तेल गरम हो जाएगा ना उसमें हम लोग डालेंगे राई, हो गया यार,
और फिर जो हम लोगों ने मसाला निकाला है ना मिक्सर में वो डाल देंगे। राई सजे राई का तड़का, उसके बाद वो जो मिक्सर से अपने मसाला निकालने वाले हो वो डालेंगे और उसको अच्छे से तेल में होने देंगे। और उसके बाद हम लोग ये दूधी डाल देंगे। मसाला पीसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ओके, एक बार और इसको मिक्स करके लाती हूँ। थोड़ी देर पकने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। देखो ये ऐसे दिखेगा। एक तरफ सब्जी पकेगी और एक तरफ मैं रोटियां बनाऊंगी। इसे मैंने हल्दी ऐड कर दी है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने ये पनीर फ्राई किए। एक्चुअली ये पनीर मैंने घर पे बनाया है। और मैंने फर्स्ट टाइम घर पे ट्राई किया कि पनीर बनेगा या नहीं, तो बन गया पनीर घर पे ही। और उसको मैंने फ्राई कर दिया खाने के लिए। थोड़ी सी थी, सॉरी थोड़ा सा ही था आटा, इसलिए मैं पहले ही इसके गोले गोले बना के रख दूंगी। जब भी मैं इस तरीके से रोटियां बनाती हूँ ना, तब मैं एक बात हमेशा नोटिस करती हूँ कि हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि ऑड नंबर ऑफ गोले बन जाते हैं और फिर लास्ट में एक बच जाता है, उसका मैं फुलका बना लेती हूँ। और अगर आप ये घर पे ट्राई करोगे ना, तो एक बार ध्यान रखना, ये ना बहुत अच्छे से ऑयल में होने देना ये मसाला, तभी इसकी टेस्ट आती है, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा।
अभी लौकी मैंने इसमें डाल दी है। इसमें तुरंत पानी नहीं डालना कभी भी, इसको पहले मसाले में पकने देना। अच्छी दिख रही है ये। रेड वाली सब्जी नहीं है, ये ग्रीन वाली है, पहले बता रही हूँ। रेड नहीं दिखेगी ये आपको, हम लोगों ने इसमें चिली ऐड की है ना, इसलिए ये ऐसे दिखेगी ग्रीन। हमारे घर में बहुत सी ऐसी सब्जी है जो ना हम लोग मिर्च पाउडर डाल के नहीं बनाते हैं, ग्रीन चिली का यूज करते हैं। रोटी देखो कैसे फूल रही है, और जब भी ऐसे रोटी फूलती है ना, खास करके मेरे हाथ की, तो मुझे बहुत खुशी होती है। वाह देखो फर्स्ट रोटी कितनी मस्त बनी। इसको हम लोग पकने देते हैं अब। सी गाइस कितनी मस्त रोटी बनी। इसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई है, क्या होगा पता नहीं। आज घर के सब लोग मेरे हाथ का खाना खाने वाले हैं। देखो मैंने कहा था ना कि हमेशा ऑड बनते हैं गोले। देखो ये दो और ये एक बचा, ऐसे होता है वैसे हमेशा। ये छोटी सी रोटी मेरे भाई के लिए, क्यूट है ना। रोटियां तो हो गई, अब देखते हैं सब्जी का हाल क्या है। मैंने इसमें ना बीच में, मतलब मैंने वीडियो पॉज किया था तब, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था इसमें सब्जी में। फूल जा। स्टार्टिंग तो अच्छी हुई पर एंडिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसमें नमक डालना और इसको पकने देना। अगर आपको इसमें ग्रेवी चाहिए होगी तो पानी ऐड करना, अदरवाइज ऐसे रखना। अभी पकी नहीं है ये, पकने के बाद हो जाएगा। ये मैंने बनाई सब्जी। आज का व्लॉग यही एंड करते, पता नहीं ये व्लॉग था या क्या था, लेकिन मैं घर पर अकेली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके साथ बात करूँ, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।